पाकिस्तान से बहुत ही गजब का न्यूज सामने आ रहा है गाइस। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये चीज मान लिया है कि पोक हमारा पार्ट नहीं है, पीओके एक विदेशी टेरिटरी है। कैन यू इमेजिन कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की एंट्री भी नहीं हुई है, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, उसके पहले ही पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया कि पोक हमारा पार्ट नहीं है। यानी कि पाकिस्तान को पता चल गया है कि अगर पीएम मोदी आए तो पोक हमारे हाथ से जाने वाला है, पोक तो हमारे हाथ से जाएगा ही जाएगा। अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर हम पोक को बचाने के चक्कर में रहे तो कहीं पूरा पाकिस्तान बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि भारत की ताकत क्या है ये चाइना पाकिस्तान दोनों जान चुके हैं। कुछ लोग बोले हैं कि तुम फेंक रहे हो, क्यों पाकिस्तान बोलेगा कि पोक हमारा नहीं है जबकि पाकिस्तान ने पोक पर कब्जा कर चुका है। तो आप यहाँ पर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के इस सवाल को देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। और जब आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है, वो किसकी इजाजत से गया? तो अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो अब आपने खुद ही अहमद फराद के केस में जो कश्मीर का मसला है उसको एक नई डायमेंशन दे दिया है। गाइस ये बहुत बड़ा सवाल है, इस वीडियो को भारत यूएन में भी उठा सकता है कि पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि पोक हमारा पार्ट नहीं है। और इन सारी चीजों से पता चल रहा है कि पीएम मोदी ने जो कहा था कि हमारा जो तीसरा टर्म होगा उसमें हम 1000 साल के डिसीजन को लेने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, और इसमें से सबसे बड़ा डिसीजन होगा पोक, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके भारत में मर्ज होगा, इसकी चर्चा पूरे भारत में जोरों शोरों से चल रही है। और इसी बीच पाकिस्तान का कबूल करना कि पोक हमारा पार्ट नहीं है, पोक एक विदेशी टेरिटरी है। विदेशी टेरिटरी मतलब क्या, चाइना का तो पार्ट है नहीं पोक, पोक पार्ट है भारत का। तो इस चीज को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है। आप यहाँ पर गाइस टाइमिंग देखिए, अभी जो पोक की आवाम है, पोक की जो आम जनता है, वो भारत से मर्ज होना चाहती है और इसके लिए वहाँ पर एक आंदोलन छिड़ चुका है। वो लगातार पाकिस्तान फोर्स पर हमला कर रहे हैं, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों को मार दिया जा रहा है उनके आम जनता के द्वारा। और इधर भारत सरकार भी अपने चुनाव प्रसार में कह रही है, अमित शाह ने खुद कहा था कि पोक भारत में मर्ज होने जा रहा है, योगी आदित्यनाथ भी अपने चुनाव प्रसार में कई बार कह चुके हैं कि पीओके हमारा पार्ट है और पीएम मोदी आए तो ये भारत में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो रक्षा मंत्री है उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था कि भारत को पीओके को लेने के लिए हथियार नहीं उठाना पड़ेगा, वो खुद ही भारत में शामिल हो जाएगा। और ये सच होने जा रहा है, पाकिस्तान ने अगर इस बात को कबूल कर लिया कि पीओके फॉरेन टेरिटरी है तो पूरी दुनिया में ये संदेश जा चुका है कि पीओके भारत का पार्ट है, पाकिस्तान ने इस चीज को कबूल कर लिया है। अब हमें पीओके को भारत में मर्ज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि हाँ हम मानते हैं पीओके हमारा पार्ट नहीं है। तो अब इस मुद्दे पर यूएन भी कुछ नहीं बोल पाएगा जब भारत पीओके पर अटैक करेगा या जब हम लोग पीओके को अपने में मर्ज करेंगे। अच्छा तो ये होगा कि पाकिस्तान खुद ही पोक को वापस कर दे भारत को, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो भी यही चाह रही है। अगर आप वोटिंग भी करवाओगे तो वहाँ की सारी आवाम पाकिस्तान से आजादी मांग रही है। हो सकता है कि अगर पाकिस्तान आसानी से पीओके को भारत को दे दे तो पाकिस्तान और भारत का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए और हमारे साथ साथ पाकिस्तान भी ग्रो कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था लेकिन पीओके का बंटवारा नहीं हुआ था, पीओके को पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया है। अगर वो आसानी से भारत को दे देता है तो फिर पाकिस्तान और भारत का रिलेशनशिप सही हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान ने जो आतंकवादी को पाला है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, वही लोग हमारे जम्मू कश्मीर पर हमला भी करते हैं, लेकिन हमारी आर्मी फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, हम लोग चाइना से टक्कर लेने जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान हमारे सामने क्या है? पाकिस्तान ऑलरेडी भिखारी बन चुका है। पाकिस्तान जहां भी जा रहा है वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन हर कंट्री बोल रहा है कि आपका आपस का मामला है, आप दोनों बैठ करके सुलझा लीजिए, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, ईरान हो। इसके अलावा गौर करने वाली चीज ये है कि ईरान के जो लीडर थे उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था कि हाँ जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उसके बाद 1 महीना भी नहीं हुआ वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं और उनके मरने के पीछे इसराइल का हाथ बताया जाता है। तो पाकिस्तान के पास एक जो उम्मीद थी कि ईरान हमें सपोर्ट कर रहा है जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर, वो आदमी भी मर चुका है। तो पाकिस्तान अब इस चीज को समझ चुका है कि हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है, चाइना भी पाकिस्तान की कुछ मदद नहीं करने वाला है, और पाकिस्तान इतना गरीब हो चुका है कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत से भिड़ सके। तो भारत सरकार बहुत ही गहरे प्लान के साथ काम कर रही है, सबसे पहले 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर को डेवलप किया गया, अब जम्मू कश्मीर डेवलप हो रहा है, डेवलप हो भी चुका है, वहाँ की आवाम भारत सरकार से खुश है, उन्हें हर तरह के हम फैसिलिटी दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ओवरऑल ट्रेन भी चलने वाला है और चल भी रहा है। ऐसी कंडीशन में अब वो टाइम आ चुका है कि हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मर्ज करें, वो हमारा भारत का पार्ट है ना। ओवरऑल पीएम मोदी के तीसरे टर्म में पीओके सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जैसे ही मोदी गवर्नमेंट सत्ता में वापस आती है पीओके का मुद्दा काफी ज्यादा पूरे दुनिया में वायरल होगा, पूरा वर्ल्ड वाइड इसको कवर करेगा, भारत बहुत ही जल्द पीओके पर एक बड़ा एक्शन लेने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इससे रिलेटेड कोई अगर बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं गाइस, क्या पीओके भारत में मर्ज होगा, अगर हाँ तो आखिर कब तक, कमेंट कीजिएगा, मैं जेन्युइनली आपके कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।